तो प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग और एक बार परमेश्वर का सानिध्य में हम लोग बैठे हैं और हमारा बीच में हमारा प्रिय गुरु और हमारा प्रिय पूजनीय गुरु जी हैं डॉक्टर जॉनसन से फिलिप। डॉक्टर जॉनसन से फिलिप सर के बारे में इंट्रोड्यूस करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ही केवल नहीं दुनिया का सुपरिचित एक महान लेखक प्रचारक एक बाइबल का महान विद्वान आज हमारा बीच में उपस्थित है। मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रिय सार मैं आपको स्वागत करता हूँ। भाई रणजीत और बिलीवर्स असेंबली ने मुझे मेरा जिस तरह से स्वागत किया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। प्रभु की इच्छा हुई तो आज से आने वाले दिनों में हम व्यावहारिक मसीही जीवन से संबंधित कुछ विषयों का अध्ययन करेंगे। सवाल यह है कि व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों का अध्ययन क्यों किया जाए, इसके पीछे एक कारण है। एक व्यक्ति क्या है यह उसके जीवन से पता चलता है। अफसर अफसर के समान बात करेगा, जो अफसर नहीं है वो अपनी हैसियत के अनुसार बात करेगा। हर व्यक्ति अपने पेशे और अपनी हैसियत के अनुसार बातचीत करता है, व्यवहार करता है। बल्कि कई बार तो ये स्थिति होती है कि किसी व्यक्ति की बातचीत से ये अनुमान हो जाता है कि वो व्यक्ति किस पेशे में है। अनुमान होना भी चाहिए, खासकर यदि व्यक्ति किसी विशेष पेशे में है तो उसका व्यवहार इस तरह से होना ही चाहिए कि लोग उसकी बातचीत और उसके व्यवहार को देखकर अनुमान लगा सके कि वो किस पेशे में है। हम में से हर व्यक्ति भी प्रभु के द्वारा बुलाए हुए एक पेशे में है। क्या है प्रभु की बुलाहट? प्रभु का वचन बार बार याद दिलाता है कि प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं और इस कारण हमारा व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि देखने वाले इस बात को समझ सकें कि प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं, और देखने वालों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम प्रभु के बच्चे हैं। और यदि देखने वालों को हमारी बातचीत और हमारे व्यवहार से ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम प्रभु के बच्चे हैं, तो सवाल यह है कि हमारे जीवन में कौन सी वो बातें हैं जिनको देखकर दूसरे लोग समझेंगे कि हम प्रभु के संतान हैं। इसके बारे में प्रभु का वचन कई जगह साफ साफ हमको बताता है। जैसे गलतियों की पत्री में एक बहुत ही फेमस पद है जहां हम जानते हैं आत्मा का फल प्रेम आनंद धीरज मेल कृपा भलाई विश्वास योग्यता नम्रता संयम इत्यादि है, जो इस बात को बताता है कि जो व्यक्ति प्रभु की संतान है और जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताता है उसके जीवन में ये सारी बातें निश्चित रूप से दिखाई देनी चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये बातें दिखाई नहीं देती हैं तो उस व्यक्ति के बारे में दो प्रश्न पूछना जरूरी है। नंबर एक, यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि वो प्रभु की संतान है और यदि उसके जीवन में ये आत्मा के फल प्रकट नहीं होते तो क्या वो वाकई में प्रभु की संतान है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को प्रभु की संतान होने का दावा करते हैं लेकिन उन्होंने जीवन में कभी नव जीवन या उद्धार नहीं पाया है और इस कारण आत्मा का फल उनके जीवन में दिख नहीं सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उनके जीवन में आत्मा का फल नहीं दिखता है क्योंकि उनका जीवन सही नहीं है। हम खुद जानते हैं कि अच्छे भले परिवार के बच्चे कई बार इस तरह का व्यवहार करते हैं जो उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
जब इस तरह के बच्चे जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो लोग पूछते भी हैं कि अरे भैया तुम तो फलाने परिवार के हो है ना, और तुम ऐसा कैसा व्यवहार कर रहे हो या ऐसी कैसी बोली बोल रहे हो, तुम्हारे तो हम पापा को जानते हैं, तुम्हारी मम्मी को जानते हैं, तुम्हारे चाचा ताऊ सबको जानते हैं, वो लोग तो इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं, उनकी तो बोलने की शैली अलग है, तुम कैसे ऐसी बात कर रहे हो। तो हम जिस परिवार के अंग हैं उस परिवार के अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये दुनिया हमसे उम्मीद करती है। आत्मिक जीवन की जहां तक बात है, यहां तो हमारा जीवन हमारे परिवार के अनुसार होगा, ये ना केवल संसार इसकी उम्मीद करता है, प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारा व्यवहार हमें जो नई हैसियत दी गई है उसके हिसाब से होगा। आप पूछेंगे नई हैसियत, जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हमको याद दिलाता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो यदि हम एक नई सृष्टि हैं तो कुछ तो दिखना चाहिए कि ये नई सृष्टि है। मान लीजिए कि कोई आदमी मकान बनाना चाहता है और अपने ढूंढने ढांढने के बाद उसको एक मौके की जगह पर एक प्लॉट दिख जाता है जहां पुराने जमाने का कोई खंडहर है, और वो यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला के कहता है कि देखो भैया ये तुमको हम नक्शा दे रहे हैं और इस नक्शे के हिसाब से मकान बना देना, और वो यदि आपसे कहता है कि मकान बनाने के लिए इतने इतने पैसे की जरूरत होगी, आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि 3 महीने के बाद पधारिए आपको नया मकान मिलेगा, 3 महीने के बाद लाखों रुपए देने के बाद आप वहां पहुंचते हैं, आपको दिखता है कि वो खंडहर जो है उसको उस पर बहुत सुंदर पुताई कर दी गई है, बहुत आकर्षक पुताई कर दी गई है, आप उसको नया मकान मानेंगे क्या? जी नहीं, कितनी भी आकर्षक पुताई करे खंडहर तो खंडहर ही रहेगा। जो नया है वो एक नजर में पता चल जाता है कि नया है। इसी तरह से मेरे और आपके आत्मिक जीवन में प्रभु ने हमको पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि बनाया है, और इसलिए पुताई रंगाई से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर नई सृष्टि के हिसाब से हमें अपना जीवन ठीक करना होगा। हमारे जीवन व्यावहारिक जीवन से संबंधित 50 बातें प्रभु के वचन में दी हुई हैं, बल्कि सही कहा जाए तो सैकड़ों बातें हैं, लेकिन उसमें कम से कम 20-25 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको प्रभु ने मदद की तो अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है, जिसमें से आज मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है क्षमा। आप कहेंगे कि ब्रदर जॉनसन क्षमा का मसीही जीवन में क्या महत्व है? बहुत अधिक महत्व है। हम में से हर व्यक्ति को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम क्षमा प्राप्त लोग हैं और प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि प्रभु की संतान होने के कारण प्रभु जैसा व्यवहार हम अपने जीवन में प्रदर्शित करेंगे, और प्रभु जैसा व्यवहार जब हम अपने जीवन में प्रदर्शित करेंगे तब उसमें एक बात है, बहुत सारी बातें जो दिखनी चाहिए उनमें से एक है क्षमा। प्रभु यीशु जब अपने 12 शिष्यों को क्षमा के बारे में सिखा रहे थे, तब प्रभु के एक शिष्य हैं हर बात में बीच में उचकते थे, प्रभु ने कुछ भी कहा तो कोई ना कोई प्रश्न पूछना जरूरी है। उसके बारे में एक मिनट प्रभु के वचन से एक पोर्शन में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मत्ती द्वारा रचित शुभ संदेश, मत्ती के सुसमाचार के 18वें अध्याय में हम देखते हैं, मत्ती का 18:21 पद में प्रभु एक्चुअली क्षमा के बारे में बोल रहे थे। मत्ती 18:21 में हम देखते हैं, तब पत्रस ने पास आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? प्रभु बार बार जब क्षमा के बारे में बोल रहे थे तो पत्रस को लगा कि 2-4 बार क्षमा कर देंगे तो पर्याप्त होगा, इसलिए उसने अपने हिसाब से बड़ा चढ़ा के प्रभु से पूछा कि
कि प्रभु मैं 7 बार तक क्षमा करूं क्या? प्रभु ने उसका जवाब जो दिया वो प्रस्ताव अपने आप में एक क्लासिक प्रस्ताव है, और वो ये है, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हम इस बात को जानते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई अपराध करता है तो उसको 2-4 बार क्षमा करने के बाद हम खुद थक जाते हैं कि बार बार माफ कर रहे हैं और ये फिर वही अपराध हमारे विरुद्ध कर रहा है, और कई बार वो अपराध करने के बाद आके हमसे माफी भी मांगता है। प्रभु ने उसके बारे में जो जवाब दिया, 7 का 70 गुना मतलब 490 बार, जो अपने आप में एक असंख्य संख्या है। शायद पत्रस ने एकदम से बोला होता कि प्रभु आप क्या गजब कर रहे हैं, कोई आदमी कोई गलती करे मतलब मेरे विरुद्ध अपराध करे, मैं 2-4 बार क्षमा कर दूं, 7 बार क्षमा कर दूं, लेकिन 7 के 70 बार, 490 बार क्या कह रहे हैं प्रभु? पत्रस जरूर पूछ लेता, लेकिन प्रभु ने पत्रस को पूछने का मौका नहीं दिया। आगे 23वें पद में हम देखते हैं जहां प्रभु एक उदाहरण के द्वारा किस तरह की क्षमा प्रभु अपने बच्चों से चाहते हैं वो स्पष्ट करते हैं। 23वें पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से हिसाब लेना चाहा। महाराज ने क्या किया 24वें पद में हम देखते हैं, जब वो हिसाब लेने लगा तो एक गुलाम उसके सामने लाया गया जो जिस पर 10,000 तोड़े की उधारी थी। आजकल तोड़ा नाम का कोई सिक्का नहीं होता है, इसलिए 10,000 तोड़े उधार उसने ले रखे थे। जब हम सुनते हैं तो हमको कुछ भी नहीं महसूस होता, इसलिए यदि हमारी भाषा में उसका अनुवाद किया जाए तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए का कर्जा था उस गुलाम का, 1 करोड़ रुपए का कर्जा उसने महाराज से ले रखा था। तोड़ा चांदी या सोने का एक बहुत बड़ा सिक्का होता था, जो मैं आपको याद दिला दूं। चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था तो स्वामी ने कहा कि वो और उसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और वो कर्जा चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर मालिक को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज रखिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। याद रखें हम एक गुलाम की बात कर रहे हैं। नए नियम में जब प्रभु संसार में थे तब लगभग सभी परिवारों में गुलाम होते थे। सामान्यतया 10 चांदी के सिक्के में एक गुलाम खरीदा जाता था, और यदि कोई हट्टा कट्टा शक्तिशाली गुलाम हो तो 30 चांदी के सिक्के में खरीदा जा सकता था। मैं साथ में याद दिलाता चला जाऊं कि यहूदा ने प्रभु यीशु को एक गुलाम की कीमत में बेचा था, चांदी के 30 सिक्कों में। तो एक बार जब कोई व्यक्ति गुलाम के रूप में बिक जाता है तो जिंदगी भर वो मालिक के घर में काम करता है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती है, उसका अपना कोई इनकम नहीं होता है। कई बार यदि गुलाम अच्छा हो तो वो मालिक से थोड़ा बहुत पैसा उधार लेके कोई धंधा कर सकता है, और कई मालिक इतने अच्छे होते थे कि धंधा करने के लिए पैसा उधार दे देते थे। संभावना इस बात की है कि ये अच्छा गुलाम था किसी जमाने में, और इसलिए मालिक ने उसको 10,000 चांदी के या 10,000 सोने के सिक्के दिए, जो आज के हिसाब से 1 करोड़ रुपए के करीब होता है। मालिक ने जब उसे चुकाने को कहा, हम जानते हैं उसके पास पैसा नहीं था। कई बार लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पैसा पूरी तरह से डूब जाता है। इस दास की यह स्थिति थी, वो मालिक के पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा, मालिक मैं पूरा पूरा चुका दूंगा। लेकिन वो धनी मालिक इस बात को जानता था कि ये गुलाम कभी भी नहीं चुका पाएगा, 1 करोड़ छोड़िए उसका 10% भी चुका नहीं पाएगा। इसलिए स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा किया।
इस घटना में हम जिस स्वामी को देखते हैं वो इस संसार के सर्वेश्वर प्रभु हैं, और प्रभु के सामने मैं और आप हम सब के सब कर्जदार हैं। कई कारणों से हमारा कर्ज है, पाप की मजदूरी है मृत्यु, हमें अपनी मृत्यु के द्वारा पाप की जो सजा है वो चुकानी है, हम नहीं चुका सकते। क्यों? इसलिए कि पाप की सजा चुकानी हो तो उसके लिए सदा सर्वदा हमको नरक में जाना और नरक में पड़े रहना पड़ेगा। ये ऐसी सजा है जिसे कोई भी व्यक्ति चुका कर समाप्त नहीं कर सकता है। इस कारण प्रभु ने जिस तरह से उस दास का 1 करोड़ रुपए का उदार क्षमा किया, उसी तरह से प्रभु ने मुझ और आप पर दया दिखा के पाप की सजा प्रभु ने उसकी कीमत चुकाई और प्रभु ने चुका दिया। देखिए, यहाँ 1 करोड़ रुपया यदि स्वामी ने माफ कर दिया तो इस बात को याद रखें कि वो 1 करोड़ रुपया स्वामी की जेब से जा रहा है। उसी तरह से जब प्रभु ने पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को संसार में भेजकर मेरे आपके पाप की सजा चुकाई तो कीमत प्रभु ने चुकाई, इस बात को याद रखें। तो ये घटना मूल रूप से इस बात को भी याद दिलाती है कि मैं और आप प्रभु के सामने असीमित राशि के लिए कर्जदार थे। हमको लगता है कि हम उसको चुका देंगे, नहीं, हम नहीं चुका सकते। इस कारण प्रभु ने दया करके उस दास को माफ कर दिया, उसका कर्ज माफ कर दिया। उसी तरह से प्रभु ने मेरे आपका कर्ज भी माफ कर दिया है। जब प्रभु हमसे इस तरह से व्यवहार करते हैं तब प्रभु हमसे कुछ उम्मीद भी करते हैं। ये हम आगे के पदों में देखते हैं। 28 पद में हम देखते हैं, जब वो दास बाहर निकला तो उसको एक संगी दास मिला जिसने उससे 100 दीनार उधार ले रखा था। 100 दीनार कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। नए नियम के या जब प्रभु ने ये उपमा सुनाई थी उस समय एक आदमी के 3.5 महीने की तनख्वाह थी। 1 महीने में एक व्यक्ति को 30 दीनार मिलते थे। दीनार चांदी के सिक्के से कम होता है, ये बात मैं याद दिला दूं। प्रभु को चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया था। एक मजदूर को महीने में लगभग 25 से 30 दीनार मिलते थे, जो चांदी के सिक्के से काफी कम होता था। तो मुश्किल से 100 दीनार का उधार था, मतलब 3 महीने की मजदूरी, जिसको वो गुलाम आसानी से चुका सकता था। और उस गुलाम को देखते ही, जिसका 1 करोड़ रुपया माफ हुआ है, उस आदमी ने उस गुलाम से ये नहीं पूछा कि अरे भैया, मैंने तुमको कुछ पैसा उधार दिया था, उस पैसे का क्या हुआ, कब चुका रहे हो? नहीं नहीं प्रभु का वचन कहता है जो उसके 100 दीनार जिसकी उधारी थी उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा जो तुम्हारी उधारी है वो भर दो। मतलब कम से कम आपस में व्यवहार करते समय जो दुआ सलाम होना चाहिए, जिस तरह से किसी के साथ कर्टसी के साथ बातचीत करनी चाहिए, ऐसा कुछ उसने नहीं किया। उसका साथी गुलाम था, इसलिए उसको मालूम था, ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि गुलाम की आर्थिक हैसियत क्या होती है। लेकिन करोड़ रुपया क्षमा प्राप्त करके जब वो आगे जा रहा था तो साथी गुलाम को देखकर उसकी हालत के बारे में नहीं सोचा, उसके ऊपर दया नहीं दिखाई। कम से कम पूछ तो सकता था कि भैया वो 100 दीनार का अपना कुछ हिसाब बैठता है, उसका क्या करोगे। असल में उसे करना तो ये चाहिए था कि जाते में जैसे ही उसका साथी गुलाम मिला तो उससे कहना चाहिए था, आज मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मालिक ने, मैंने जो उधार लिया था मालिक से उसको माफ कर दिया, और इस कारण उसके सामने एक बड़ी तुच्छ राशि है जो मैंने तुमको उधार दिया था, आज मैं तुमको भी माफ करता हूँ। नहीं किया।
कम से कम वो पूछ सकता था कैसे हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम वो राशि चुका सकोगे क्या, कब तक चुका सकोगे, तुमको क्या लगता है, ऐसा भी नहीं किया। सीधे सीधे जाकर उसने उसका गला घोंटा। ये मूल भाषा में भी बिल्कुल वैसा ही है, उसका गला पकड़कर दबाने लगा जिससे कि इवन उसकी सांस रुकने लगी और कहा कि चलो पैसा वापस करो। इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धरो मैं सब कुछ दे दूंगा। देखिए यहाँ दो लोग हैं जो जिनको उन्होंने कर्ज दिया है उनके सामने गिरते हैं। पहले ये मुख्य दास जिसने करोड़ रुपए का उधार ले रखा था वो स्वामी के सामने गिरा, स्वामी ने उसको माफ कर दिया। उसके बाद उसका जो उधार जिसने ले रखा था वो उसके सामने गिरा और उससे विनती की कि धीरज धरिए मैं सब कुछ भर दूंगा। और 100 दीनार की राशि चूंकि बहुत बड़ी राशि नहीं थी इसलिए वो चुका सकता था, लेकिन इस दास ने नहीं माना। उसने क्या किया, जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। भाई गुलाम जो है एक तो उसके पास इनकम का जरिया कम होता है, पकड़ के उसको जेल में डाल दोगे तो अब वो क्या कमाएगा, कैसे पैसा चुकाएगा। जिसका मतलब ये हुआ, सी जब प्रभु एक कहानी सुनाते हैं या उपमा देते हैं तो उसका असल अर्थ हमको समझना चाहिए। इसका जो उधार चुकाना, वो दास उधार चुकाने के लिए तैयार था लेकिन पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसका मतलब है कि वो कभी भी नहीं चुका पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि खुद 1 करोड़ रुपए को तो उसने उसको माफी मिल गई, अब उसका साथी जो 100 दीनार जिसका उधार है उसको जिंदगी भर के लिए परेशान करना चाहता है, इसलिए पकड़ के उसको जेल में डाल दिया जिससे वो कुछ कर नहीं पाए, कर नहीं पाएगा तो 100 दीनार चुका नहीं पाएगा, चुका नहीं पाएगा तो जिंदगी भर वो जेल में रहेगा। मतलब वो ना केवल अपने साथी को माफ करने के लिए तैयार नहीं था बल्कि साथी को जिंदगी भर 100 दीनार के लिए परेशान करने के लिए वो तैयार हो गया। उसके संगी दास ये जो हुआ था उसे देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। मैं याद दिला दूं यहाँ ये घटना, इसमें जो मालिक है वो प्रभु को दिखाता है, वो दास जिसके 1 करोड़ रुपए माफ हुए थे वो मुझे और आपको दिखाता है, वो जो दास जिसने 100 दीनार उधार ले रखे थे वो मेरे और आपके परिवार के लोगों को दिखाता है। गुलाम और गुलाम सभी की परिवार के लोग थे, हम अपने परिवार के लोगों को माफ करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। साथियों ने जाकर प्रभु को ये बात बताई मालिक को, मतलब जब हम अपने परिवार में लोगों को क्षमा करने से मना कर देते हैं तब कई बार हमारे ही परिवार के लोग प्रभु से याचना करते हैं, प्रभु उस व्यक्ति को बुद्धि दीजिए या अकल दीजिए जिससे कि वो सही तरीके से अपने भाई के साथ व्यवहार कर सके। ठीक है, तो संगी दास ये जो हुआ था उसे देखकर बहुत उदास हुए, जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, देखिए 10 मिनट पहले या 8 घंटे पहले दास से मालिक ने सामान्य तरीके से व्यवहार किया था, जिसका 1 करोड़ रुपया माफ किया था उसको बुलाकर उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। इस बार सीधे सीधे मालिक उससे कहते हैं, हे दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की तो मैंने वो पूरा कर्जा चुका दिया। उसने कर्जा माफी के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया था, थोड़ा सा टाइम देने के लिए कहा था, लेकिन मालिक ने उसका कर्जा ही माफ कर दिया। मैंने तेरा पूरा कर्जा क्षमा किया, जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। देखिए, एक गुलाम यदि 100 दीनार का कर्जा नहीं चुका सकता तो क्या वो 1 करोड़ का कर्जा चुका पाएगा। लेकिन जिसको प्रभु ने क्षमा किया, जब उसने क्षमा करने को रिफ्यूज किया तो प्रभु ने कहा कि तुमने जो व्यवहार किया है उसके लिए सही सजा तुमको मिलना जरूरी है। आज
ये जो प्रभु ने जो उदाहरण दिया है इसका मेरे आपके जीवन में व्यावहारिक जीवन में क्या एप्लीकेशन है, ये बात जरा हम समझ लें। प्रभु ने ही इसका उत्तर दिया था। 35वें पद में हम देखते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर व्यक्ति अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं आपको याद दिलाता हूं, इस घटना से कुछ समय पहले शिष्यों ने प्रभु यीशु से कहा था कि हे प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाइए। तब प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने का तरीका बताया था, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम माना जाए, आपका राज्य आए इत्यादि। हम लोग उसको दोहराते नहीं हैं क्योंकि प्रभु ने एक नमूना दिया था, ना कि प्रभु ने कहा था कि रट के उसको रिपीट करना। ठीक है, वो प्रभु ने प्रार्थना के लिए हमको जो नमूना दिया था उसमें एक विशेष बात या एक प्रस्ताव है, वो है जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह से हमारे अपराध क्षमा कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिदिन की प्रार्थना में हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम में से हर व्यक्ति प्रतिदिन छोटे या बड़े अपराध प्रभु के विरुद्ध करता है। हम चाहे या ना चाहें, जाने या ना जाने, लेकिन जाने अनजाने हमसे अपराध होते ही जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की प्रार्थना में यह प्रस्ताव होना चाहिए, प्रभु मैंने क्षमा किया और इस कारण प्रभु मुझ पर करुणा दिखाइए, मुझे भी क्षमा कीजिए। प्रभु के वचन में कई बातें उसमें शर्त दी गई है। क्षमा के लिए प्रभु ने कहा है कि हम अपने भाई को क्षमा करें, और जब हम प्रभु से क्षमा के लिए याचना करते हैं तो प्रभु के सामने हमें ये बात प्रस्तुत करना जरूरी है, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए क्योंकि मैंने भी दूसरों को क्षमा किया है। हमारे व्यावहारिक जीवन को जब हम देखते हैं तब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमारे भाई बहन लोग, हमारे मित्र लोग, अन्य विश्वासी लोग हमारे विरुद्ध कोई ना कोई अपराध करेंगे, करते रहेंगे, ये होता है। हम इस बात को जानते हैं, लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों के मन में कोई पाप नहीं होता, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि सबसे ज्यादा झगड़ा छोटे बच्चे ही करते हैं। ये गलत सोच है कि किसी के जीवन में पाप नहीं है। हाँ, एक छोटे बच्चे को एकदम से क्षमा की समझ नहीं होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको ट्रेनिंग दे कि उसको क्षमा, दूसरों को किस तरह से क्षमा करना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे वो पाप स्वभाव जो बचपन में हमको हमारे भाइयों और बहनों से झगड़ा करने को प्रेरित करता है वो स्वभाव हमारे अंदर से हट नहीं जाता है। मनुष्य जन्म से पापी है और ये पाप स्वभाव उद्धार के समय उसके जीवन में से हट नहीं जाता है, जिंदगी भर उसके साथ रहता है। और ये स्वभाव उसके जीवन से तभी हटाया जाएगा जब प्रभु उसको नया शरीर देंगे, जब प्रभु यीशु दोबारा आसमान में आएंगे। उस समय इस दुनिया में जितने विश्वासी लोग हैं उन सब का शरीर बदल जाएगा, जो विश्वासी लोग कब्रों में हैं वे लोग भी इस नए शरीर के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे। उस पुनर्जीवित शरीर में पाप स्वभाव नहीं होगा, लेकिन जब तक हम इस नश्वर शरीर में हैं तब तक ये पाप स्वभाव हमारे अंदर है। और चूंकि ये पाप स्वभाव हमारे अंदर है इसलिए बचपन में बच्चे होते समय हम एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे भाइयों बहनों माँ बाप के विरुद्ध यही पाप स्वभाव और परिष्कृत तरीके से अपराध करता है और सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपराध करता है। और इस कारण
क्षमा का हमारे जीवन में होना जरूरी है। मैं चूंकि एक प्रचारक हूं तो अक्सर लोगों से मिलता रहता हूं जो अपने जीवन की समस्याएं बताते रहते हैं। जब तक मनुष्य इस संसार में है तब तक समस्याओं का कोई अंत नहीं है। कुछ समय पहले एक जवान ने आके बोला, अंकल मैं अपने पिताजी को माफ नहीं कर सकता। मैंने पूछा, भैया पिताजी को माफ क्यों नहीं कर सकते? वो बोला, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती इंजीनियरिंग में डाल दिया, गणित मुझसे हो नहीं पाता है, जैसे तैसे मैंने इंजीनियरिंग पास कर लिया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता अंकल, मैं एक अच्छा इंजीनियर कभी नहीं बन सकता और इस कारण मैं अपने पिताजी को कभी भी माफ नहीं करूंगा। ऐसी बहुत सारी बहनों से मेरी मुलाकात हुई है जो यही बात अपने माँ बाप के बारे में बोलते हैं, मैं जाना चाहती थी इंजीनियरिंग में, पापा ने पकड़ के मुझे नर्सिंग में डाल दिया, मुझे तो जब मैं अस्पताल में मरीज देखती हूँ तो मुझे तो घिन आती है, मैं अपने पापा को कभी क्षमा नहीं करूंगी। बहुत सारी बहनों से मैंने ये कहते सुना है, मेरी इच्छा थी मैं नौकरी करूं और जिंदगी की बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू लूं, लेकिन शादी के बाद मुझे इसका मौका नहीं मिला, मेरा विवाह इसके लिए जिम्मेदार है, ये आदमी यदि मेरे जीवन में नहीं आया होता तो मैं तो शायद आज आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रही होती। शादी हो गई इस कारण मैं नहीं अपने जीवन में अफसर बन पाई या लाट साहब नहीं बन पाई, इस कारण मेरी शादी जिस माँ बाप ने करवाई मैं उनको नहीं क्षमा कर सकती, और जिस पति ने जो मुझसे शादी के लिए तैयार हुआ जिसके कारण मेरी शादी हो गई मैं उसको भी क्षमा नहीं कर सकती। बहुत सारे पुरुषों से मैंने ये बात सुनी है, मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन पत्नी के कारण नहीं कर पाए, इसलिए मैं पत्नी को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बहुएं सास के विरुद्ध बोलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ जिन लोगों ने दूसरे अपने भाई या बहन के विरुद्ध अपराध किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वे बहुत संत हैं, जी नहीं, ना तो वे संत हैं ना हम संत हैं, लेकिन प्रभु का वचन इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु ने हमको क्षमा के लिए बुलाया है। आज जो भाई और बहन लोग ये वचन सुन रहे हैं, जो बच्चे ये वचन सुन रहे हैं, उन सब से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जरा दो क्षण सोच कर देखें वे कौन कौन से लोग हैं जिनके विरुद्ध आपके मन में कड़वाहट है, जिनके बारे में आपको लगता है कि फलाने ने फलाना काम किया, फलाना किया, फलाना किया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम में से हर व्यक्ति इस तरह के 50 लोगों के बारे में बता सकता है जिनके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने जीवन से एक अनुभव आपको बताऊं, मैं इसके पहले कई बार बता चुका हूं कि मेरा असल गांव ग्वालियर है, जहां भाई रंजीत बाग इन दिनों प्रभु की सेवा करते हैं। वे जिस असेंबली में सेवा करते हैं वहीं मेरा बपतिस्मा हुआ था, और भाई रंजीत से पहले लगभग 10 साल पहले मैंने वहीं प्रभु की सेवा का आरंभ किया था। शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। बचपन से भाषा के प्रति मेरा झुकाव बहुत ज्यादा था, खासकर हिंदी के प्रति, और हिंदी के प्रति झुकाव के कारण मेरी स्थिति ये थी कि यदि मैं 25 पन्ने का एक निबंध लिखूं, लिखने के बाद उसे शुरू से आखिर तक एक बार पढ़ लूं, तो उसमें मात्रा की एक गलती भी कोई नहीं निकाल सकता था। लेकिन मेरी एक अध्यापिका थी जो मुझसे खार खाई थी, 9th में एग्जाम हुआ, मुझे पक्का यकीन था कि 100 में से कम 90 विज्ञान में नंबर मिलेंगे हिंदी में, उन्होंने मुझे दिए 40।
टेंथ में फिर से मुझे इस बात का यकीन था कि 100 में से 90-95 नंबर मिल जाएंगे हिंदी में, मुझे उन्होंने नंबर दिए 36। मेरा रिजल्ट बिगड़ गया। इस तरह से हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में 50 उदाहरण दे सकता है, लेकिन इस घटना के सालों के बाद जब मैडम उसी शहर में आई तो भाई रंजीत आजकल जहां रहते हैं वहां से मुश्किल से 2 फरलोंग दूर एक मॉडर्न नर्सिंग होम है, जहां उनको कुछ जरूरत पड़ी मदद करने वाला कोई नहीं था। उनको अचानक याद आया कि अरे जॉनसन अपना विद्यार्थी यहीं आसपास कहीं रहता है। नर्सिंग होम में पूछा, वो लोग मुझे जानते थे, मेरे एक साथी का नर्सिंग होम था, उन्होंने नंबर दिया। मैडम ने बुला के कहा, जॉनसन जल्दी से जरा नर्सिंग होम में आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं उस समय शादीशुदा था, प्रभु की सेवा कर रहा था। दौड़ के मैं वहां पहुंचा, उनकी जो असहाय स्थिति है उन्होंने बताई। तब मेरे लिए अच्छा अवसर था कि अच्छा, कल जब मौका आया था तब तुमने मेरा कैरियर बिगाड़ दिया था, मेरे नंबर बिगाड़ दिए, 100 में से मुझे 95 मिलने चाहिए थे, तुमने दिए 35 या 36, और इस तरह से मेरे नंबर बिगाड़ दिए, मेरी पोजीशन बिगाड़ दी। और यदि आज तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ रही है तो अपनी बला से, मैं क्या करूं, मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा है, कहके मैं वहां से जा सकता था, लेकिन मैंने उनकी मदद की, मैंने उनको किसी तरह से रोका या टोका नहीं। ये घटना मैंने विस्तार से आज आपको इसलिए बताई कि हम में से हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की 50 घटनाएं होती रहती हैं। घटनाओं का होना अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, उस घटना के प्रति हमारा जवाब क्या है, ये जो प्रभु देखना चाहते हैं। हमारी आदत यह है कि हमको करोड़ रुपए का कर्जा क्षमा हो गया है, 100 दीनार हम माफ नहीं कर सकते। आज जरा अपने जीवन को मुड़कर देखें, अपने भाई के विरुद्ध, अपनी बहन के विरुद्ध, पति के विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध, माँ बाप के विरुद्ध, चाचा ताऊ के विरुद्ध, दोस्तों के विरुद्ध, हो सकता है हम में से हर एक के मन में भावना हो, कड़वाहट हो, उस कड़वाहट को लेके आगे जाना है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। एक मसीही को ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। हमको क्षमा मिली है, हमें क्षमा देना चाहिए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है यूसुफ। उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया था, लेकिन उसने अपने भाइयों को ना केवल क्षमा किया बल्कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा भी प्रदान की। आज संध्या के समय जो भाई लोग, जो बहनें और जो बच्चे प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उन सबसे एक बार और मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे 50 लोगों को याद कर सकता है जिन्होंने हमसे बहुत भारी द्रोह किया है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्षमा। यदि क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति उस प्रेशर कुकर के समान है जिसमें से भाप जाने के लिए जो नली बनी है उसमें कोई रुकावट आ जाती है। प्रेशर कुकर भाप को बाहर क्यों छोड़ता है? जिससे कि अंदर सीमा से ज्यादा प्रेशर ना हो, और सीमा से ज्यादा प्रेशर हो तो क्या होगा? प्रेशर कुकर फट जाएगा। इसी तरह से यदि हम क्षमा के द्वारा अपने अंदर जो अतिरिक्त प्रेशर है, जो भाप है, उसको रिलीज नहीं करेंगे तो ऐसा समय भी आएगा जब हम स्वयं अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। क्लोजिंग से पहले एक बार और मैं विनती करना चाहता हूं, क्षमा ना करने के कारण हम में से कई लोगों के जीवन कड़वाहट से भरे हुए हैं। प्रभु करे कि ये कड़वाहट हमको बर्बाद ना कर दे, और यदि हम चाहते हैं कि ये कड़वाहट हमको बर्बाद ना करे तो आज ही
इस संदेश के बाद एक बार और जरा सोच लें, किस किस ने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, उसके बाद प्रभु के सामने, हे प्रभु आज मैं ये निर्णय लेता हूँ, मैं इन सब लोगों को माफ करता हूँ। आप पूछेंगे इसका मतलब ये हुआ क्या, क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो किया वो सही था? जी नहीं, माफी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया वो सही था, माफी का मतलब ये है कि उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनसे प्रतिकार की भावना के साथ, बदले की भावना से पेश नहीं आऊंगा। बदला प्रभु के हाथ में है, ये सब कुछ मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। अपना जीवन मैं तो उस प्रेशर को रिलीज करके अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ बिताऊंगा। इन बातों को प्रभु के वचन से देखने के लिए आज प्रभु ने जो मदद की उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं, और बहुत ही क्षमा के साथ, बहुत ही क्या कहना चाहिए, पेशेंस के साथ आप लोगों ने प्रभु का वचन सुना, इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, और भाई रणजीत और बिलीवर्स असेंबली ग्वालियर का भी आभारी हूँ कि इस तरह से प्रभु के वचन से अध्ययन के लिए मुझे बुलाया, प्रभु ने मदद की। तो आने वाले दिनों में भी हम प्रैक्टिकल विषयों की ही चर्चा करेंगे, सुनते हैं कि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, इसलिए इन विषयों को हम काफी अधिक ध्यान से देखेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुक्रिया ब्रदर रणजीत, मैं आपके हाथ में हैंड ओवर करता हूँ। सर आप हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु ने क्षमा किया, ये सबसे बड़ा कठिन विषय है, और सोचने वाली बात यह है कि हम अभी एक उदाहरण हम लोग सुन रहे थे कि जॉनसन सर का जो टीचर, वास्तव में उनको अगर जो जिस प्रकार से दुख दिया, हम और आप अगर उस जगह में होते तो हम और आप कितना दुख से गुजरे हो। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोग को एक अनुरोध करना चाहता, प्रिय माता पिता, प्रिय युवा युवती, मैं आप सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज प्रभु का वचन हमने बहुत सुंदर रीति से सुना, हमारा मन में अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है, एक फोन कॉल कर, एक आवाज उठा के जस्ट बताइए, पापा मैं बहुत सॉरी कहता हूं, मम्मी बहुत दिन हो गया मैं आपसे बात भी नहीं किया, ब्रदर मैं आपसे कई बार बात भी करना चाहता हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ, मेरा ईगो के कारण, मेरा घमंड के कारण, मैं जो कुछ भी आपका विरुद्ध में पाप किया, क्षमा कर। ये इतना कहने के लिए आपका अगर दिल है, प्रभु वास्तव में आपका सारे मन का सारे बोझ दूर करेंगे, और प्रभु आपका सहायता करेंगे।